और जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खबर मिलती है तो उसका मुंह गम के सबब काला पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है और उस खबर बद के सबब जो वो सुनता है लोगों से छुपता फिरता है, सोचता है कि आया जिल्लत बर्दाश्त करके लड़की को जिंदा रहने दे या जमीन में गाड़ दे। देखो ये जो तजवीज करते हैं बहुत बुरी है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उन्हीं के लिए बुरी मिसाल है और अल्लाह को सिफत आला जेब देती है और वो गालिब है हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब पकड़ने लगे तो एक जानदार को जमीन पर न छोड़े, लेकिन उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिया जाता है, फिर जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी न पीछे रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। और ये अल्लाह के लिए ऐसी चीजें तजवीज करते हैं जिनको खुद नापसंद करते हैं और जबान से झूठ बके जाते हैं कि उनको कयामत के दिन भलाई यानी नजात होगी। कुछ शक नहीं कि उनके लिए दोजख की आग तैयार है और ये दोजख में सबसे आगे भेजे जाएंगे। अल्लाह की कसम हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ भी पैगंबर भेजे तो शैतान ने उनके करतूत उनको आरास्ता कर दिखाए, तो आज भी वही इनका दोस्त है और इनके लिए अजाब अलीम है।